इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़ी लर्निंग देने वाला हूं, पूरे अंत तक वीडियो देखिएगा और शर्त यह कहता हूं कि आप इस वीडियो को खुद पे खुद शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। आइए सीधे सीधे लर्निंग पे नहीं लेके जाऊंगा, पहले कहानी सुनिए। कहानी यह है कि एक जंगल में, बहुत पहले एक जंगल में एक अजीब सी घटना घटी। एक चीते और एक गधे में बहस हो गई और बहस इस मुद्दे पे हुई कि चीते ने कहा कि आसमान का रंग नीला होता है, गधा अड़ा हुआ था कि नहीं साहब, आसमान का रंग काला होता है, आसमान काला होता है। बहस छिड़ गई, बहस इतनी छिड़ गई कि धीरे धीरे वहां पे बहुत सारे जानवर इकट्ठा हो गए और सबने मिलकर यह फैसला किया कि अब कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला सिर्फ जंगल का राजा शेर ही कर सकता है। सारे लोग शेर के पास पहुंचे, शेर के दरबार में पहुंचे, राजा के दरबार में पहुंचे और शेर का इंतजार किया जा रहा था कि अब शेर आएंगे, महाराजा आएंगे और वो फैसला करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। शेर जैसे ही आए उन्होंने पूछा मामला क्या है, तो चीते ने बोला कि महाराज मामला यह है कि मैंने कहा कि आसमान का रंग नीला होता है और ये गधा कहता है कि आसमान का रंग काला होता है, आसमान काला होता है, यही मामला है। अब आप ही बताइए कौन सही है कौन गलत है और जो गलत है उसे सजा दीजिए। कुछ देर के बाद, लगभग एक दो मिनट सोचने समझने के बाद शेर अपना फैसला सुनाता है और शेर कहता है कि चीते को 1 साल के लिए कारावास में भेज दिया जाए, गधे को छोड़ दिया जाए। चीता गिड़गड़ाने लगता, उसे समझ में नहीं आता, वो बेचैन हो जाता, कहता ये क्या महाराज, आपको भी पता है मैं सही हूं, आसमान नीला होता है काला नहीं होता, फिर भी आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं। शेर कहता है कि मुझे पता है कि आप सही हैं, आसमान नीला ही होता है, आप बिल्कुल सही हैं, आपको इसके लिए सजा नहीं दी जा रही, आपको इसके लिए सजा दी जा रही है कि आपने गधे से बहस क्यों की, आपने गधे से बहस की इसके लिए आपको सजा दी जा रही है, आसमान नीला काला इसके लिए आपको सजा नहीं दी जा रही है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी यही गलती करते हैं साहब, बहुत सारे लोग उसी गधे की तरह होते हैं जो मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे आपकी बात। कई बार तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे नीला रंग होता ही नहीं है, सिर्फ काला रंग ही होता है दुनिया में, और ऐसे लोगों से बहस करके आप अपनी एनर्जी और अपना टाइम बर्बाद करते हैं और अपना मूड भी बर्बाद करते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग अंदर कामयाब होना है तो इस गलती को मत कीजिए, बहस मत कीजिए। कुछ ऐसे लोग आपको जरूर मिलते हैं जिनसे बहस करके आप सब कुछ खराब कर लेते हैं, यहां तक कि रिलेशन भी खराब कर लेते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए साहब, कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। जब आप तरक्की करेंगे, जब आप कुछ बढ़िया कर लेंगे, ऐसे लोग भी आते हैं साहब, उन्हें भी नीला दिखने लगता है, काला दिख रहा भी नीला दिखने लगता है। हड़बड़ाइए मत, घड़बड़ाइए मत, पेशेंस रखिए। बस मैं आपको इतना ही समझा रहा हूं कि जो नए नेटवर्क मार्केटर्स हैं वो बहुत सारा समय बहस में निकाल देते हैं साहब, बहस में अपना टाइम मत निकालिए। देख लीजिए पहचान जैसा तो नहीं है, कहीं नीला काला वाला जैसा तो नहीं है, कहीं काले पे अड़ा हुआ तो नहीं है, समझ जाइए। और अगर आपको समझ हो जाती है छोड़ दीजिए साहब, रिलेशन बना के छोड़ दीजिए, हट जाइए। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बात को सुनने समझने के लिए तैयार हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। बाकी इतना जरूर कहूंगा कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ गए हैं तो याद रखिए कि आप मामूली इंसान नहीं है, बस बने रहिएगा, जमे रहिएगा, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा और शेयर तो जरूर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।